हमारी पत्नी और हमारे भाभी जी के भाभी लोग का खाना खाए पत्नी है माना नहीं किसी साहब आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भौजी जो खाना बनाती है वो चावल नहीं होता है आपका गला सुना का चावल नहीं होता इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सके और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सके जो बात जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं वचन दीजिए अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं लोकसभा में पटक के जोर जोर से पेड़ों में जब देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे तो यही कहेंगे अरे भाई जो योग्यता आपकी है वही योग्यता हमारी है बस आपका सांसद 300 था इसीलिए आप पीएम बन रहे हम लोग 500 लेके आए पीएम बनने से पहले वो सांसद ही होता है ना तो भी सांसद है हम भी सांसद बन के जाएंगे हम भी बने हमारे और उनसे एक के बिंदु में सवाल होगा देश के प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि हमारे राज्य ने आपको 40% खरीद दिया बदले में आपने कैबिनेट के एक मीटिंग किया जाकर के लिए यस या नो कहने दो क्योंकि फेंका फेंकी वाला भाषण नहीं सुनेंगे देश का प्रधानमंत्री लोग खूब फेंकता है बहुत ज्यादा और हमारे प्रधानमंत्री का तो कहे बात है कि सब ठीक है विदेश में तो हैवी फेंकते हैं हाथ फिलहाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी एक हिस्से में अपनी खोपड़ी का खाली है यदि गोबर नहीं भरा है तो हम 30 सेकंड में भक्ति उतार देंगे लोजिक सुनिए अमन दबे बारे में बोल रहा है क्या बात है हम कहेंगे वो राज्य का विषय है देश की बात कर रहे हैं लोजिक सुनिए कुछ वर्ष पहले हमारे यशस्वी देश दुनिया में नामी गिनामी माननीय श्री श्री 108 श्री प्रधानमंत्री चौकीदार प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी विदेश गए थे जलवायु सम्मेलन में ध्यान से सुनिएगा जलवायु सम्मेलन में यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश गए थे विषय था क्लाइमेट को लेकर और हाल फिलहाल को देखिए क्लाइमेट में सवाल किया तो क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है हमारी उम्र 40 से 45 उन्होंने कहा बकायदा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला आधारित जो कोयला पे आधारित उद्योग है वो कंट्रोल करेंगे क्योंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर केमिस्ट्री वालों केमिस्ट्री वालों CO2 वाला से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयला से NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ना कोयला से तो चूंकि CO2 NO2 SO2 कोयला के जो खनन होता है उससे नुकसान होता है मानव जीवन को जंगल को पर्यावरण को तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला के आधार पर उद्योग को कंट्रोल करेंगे दुनिया में पूरा ताली बजा ऐसे भी हमारे कैमरा मैन मोदी जी देख रहे होंगे कैमरा मैन बहुत आया लगभग 2300 कुर्ता पहने तो कैमरा मैन को ही है ये दुनिया में क्या बोल के आए कि कोयला से CO2 NO2 SO2 बनता है केमिस्ट्री वाले बेहतर बताएंगे और धुएं कैसे बन सकता है जैसे ही भारत आए आप पड़ता गांव वाले खाली भरेंगे जैसे ही भारत आए 80 को कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ 39 को अडानी को 39 को अडानी को इसीलिए हजारीबाग सुना बीजेपी का गढ़ है आपके सभी प्रधानमंत्री दुनिया में जाके डंका पीटते हैं कि कोयला आधारित जो कंपनी उसको कंट्रोल करेंगे और इंडिया जैसे आते हैं इनका आंख पीछे आता है जबान पीछे आती है और 80 को कोयला खदान बेचते हैं 39 को अपने एडोप्टेड तब तक सब ठीक है ना हां हां ठीक है एडोप्टेड तब तक हो गया तब तक फिर हां हां
दादा बन जाए करते हैं, जिसे बड़का दादा में सोच के देखिए मेरे साथी। इसीलिए आज एमपी भी बनाने की आवश्यकता है, जो जाके लोकसभा के भीतर इस बात को रख सके, लोकसभा के भीतर अपनी बातों का लोहा मनवा सके। और हम पूरा विश्वास कीजिए, प्रधानमंत्री को छोड़िए, यदि वो अपने मित्र, चूंकि ट्रंप के टाइम बोलते हैं ट्रंप मित्र है, बाइडेन के टाइम बोलते हैं बाइडेन है, चलिए बाइडेन की बेटी साइडेन उनके मित्र है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है उनको बुला के लिए ये भारत की संसद बैठाइए, हमारे सवालों के उत्तर वे भी नहीं दे पाएंगे, हमारे लॉजिकल सवालों के उत्तर वो भी नहीं दे पाएंगे। और कहां से देंगे वो, जो इंडिया आए तो मोदी जी दिमाग बना कर दिए, कहां से देंगे उनको, इंडिया देखने हैं।